सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यार पबजी मोबाइल लाइट के अंदर जो रूम कार्ड होता है उसके बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे कि गाइस आप रूम कार्ड कैसे फ्री में परचेज कर सकते हो, रूम आईडी पासवर्ड कैसे देख के यार अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे ज्वाइन हो सकते हो रूम आईडी पासवर्ड की मदद से, एंड आप अगर कोई टूर्नामेंट आप खुद कराना चाहते हो तो कैसे करा सकते हो पबजी मोबाइल लाइट के अंदर आप टूर्नामेंट, सारी चीज़ें गाइस बताऊंगा, एक्सपेक्टेड वगैरह पूरा प्रोसेस। तो यार वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड गाइस नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो, तो यार पूरा देखना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब के बटन पे मारो हाथ, हो जाओ हमारी फैमिली के साथ। एंड अगर आपने बेल आइकन का जो बटन है ना गाइस उसको भी ऑल पे सिलेक्ट नहीं है किया है मतलब, तो यार कर लेना, बिकॉज यार भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। एंड आपको भी फ्यूचर में ऐसे लेटेस्ट वीडियो और भी देखने हैं तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना एंड बिना कोई टाइम वेस्ट के यार वीडियो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आप रूम कार्ड कैसे खरीद सकते हो एंड गाइस आपके इन्वेंटरी में कैसे ला सकते हो। तो गाइस आपको शॉप में जाना है एंड गाइस शॉप में जाने के बाद आपको ट्रेजरीज पे जाना है। यहाँ पर गाइस आपको रूम कार्ड देखने मिल जाएगा गाइस, यहाँ पर रूम कार्ड 1 मतलब 100 बीसी वाला एंड 500 बीसी वाला। तो यार 100 बीसी में आप एक रूम कार्ड बना सकते हो एंड 500 बीसी में 7 वाला। तो गाइस आपको कितने बनाना है आप देख सकते हो, अगर बड़ा टूर्नामेंट अगर आपको कराना है तो आप 500 बीसी वाले खरीदना, एंड अगर आपको 100 बीसी वाला खरीदना है मतलब एक ही रूम कार्ड बनाना है तो आप 100 बीसी का खरीदना। तो गाइस सिंपली से देखो यार मेरे पास रूम कार्ड ऑलरेडी है तो यार मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो गाइस रूम कार्ड आपको इन्वेंट्री में आ जाएगा जब आप खरीद लोगे, तो उसके बाद गाइस आप यूज़ कर देना। एंड उसके बाद गाइस देखो यार सिंपली से आप रूम पे जाना, एंड गाइस रूम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट रूम मिलेगा डायरेक्ट। तो यार क्रिएट रूम पे आपको क्लिक करना है, तो यार देखो गाइस क्रिएट रूम पे क्लिक करना है तो यार जब आपका एक यूज़ करने का है तो आप एक रूम बना सकते हो। तो गाइस अब कैसे रूम बना सकते हो, तो गाइस देखो यहाँ पर क्या है सिंपल मेथड गाइस। तो देखो यहाँ पर मैं अपना रूम नेम मतलब आपको रूम नेम लगाना है मतलब रूम नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंडियन गेमिंग YT कर दिया ओके। एंड यहाँ पर सोलो डुओ स्क्वाड आपको कौन सा रूम बनाना है तो आप देख सकते हो आपको कैसा मैच कराना है ओके। एंड उसके बाद गाइस वीरेंगा या गोल्डन बूट्स आपका मर्जी मतलब आपको कोई सा भी मैप सिलेक्ट कर सकते हो आप। एंड गाइस ये गेम के मतलब रूम बनाने के बाद भी आप चेंज कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आप रूम आईडी पासवर्ड एंड बिना पासवर्ड वाला भी कर सकते हो। गाइस बिना पासवर्ड में आपको यानी बहुत सारे ग्लोबल जो भी यार गेम खेल रहे हैं वो आ जाएंगे है ना। बिना पासवर्ड में अगर आपके पास कोई बंदे नहीं है मतलब रूम में आने वाले तो आप बिना पासवर्ड का कर सकते हो। एंड पासवर्ड मतलब आपको यार अपने लोग चाहिए आईडी पासवर्ड से ज्वाइन होने वाले तो आप पासवर्ड कर देना। तो गाइस सिंपली से मैंने पासवर्ड वाले पे क्लिक किया एंड वहाँ पर AK47 करके पासवर्ड बना दिया। अब गाइस देखो यार रूम कार्ड यानी रूम के अंदर कैसे ज्वाइन होना है एंड गाइस देखो प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस सिंपली से यहाँ पर आपको साइड में इंडियन गेमिंग YT आपका रूम का नेम मिलेगा एंड यहाँ पर सोलो का भी गाइस रूम है तो यार यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अंदर रूम के अंदर भी मतलब, एंड मैप भी चेंज कर सकते हो। अब गाइस रूम आईडी उसी बंदे को दिखेगा, रूम आईडी पासवर्ड ऐसा यहाँ पर साइड में लिखा हुआ जो बंदा गाइस रूम बनाता है, जैसे मैंने रूम बनाया तो मुझे दिख रहा है गाइस ये रूम आईडी पासवर्ड। तो यार आप इन रूम आईडी मतलब रूम आईडी गाइस आपको कैसे डालना है मैं पूरा बताऊंगा। तो गाइस अभी देख लो यार रूम आईडी पासवर्ड ये हमारा, एंड गाइस अभी मेरे एक टीममेट मतलब जो AK47 आरबी नाम का बंदा है ये आपको ज्वाइन करके बताएगा कैसे ये ज्वाइन करेगा मेरे रूम में ये वाले। तो गाइस अभी देखो यार कैसे ज्वाइन करता है ओके। सो फ्रेंड अभी देखो मेरा फ्रेंड अभी रूम के अंदर ज्वाइन करके बताएगा। तो गाइस वो भी लॉबी के अंदर जो रूम होता है गाइस वहाँ पे क्लिक करेगा एंड गाइस रूम पे क्लिक करने के बाद ऐसा खुलता है। तो गाइस यहाँ पर आपको इंटर करना है मतलब यार यहाँ पर आपको रूम आईडी नंबर देखने मिलता है। तो गाइस रूम आईडी नंबर आपको यानी अपने फ्रेंड को व्हाट्सअप कर देना है, कैसे भी आप बता सकते हो कि ये वाला रूम आईडी है जो भी यानी रूम बनाता है उसको तो दिख ही जाता है, वो अपने फ्रेंड को बता देगा जिसको रूम के अंदर बुलाना है। तो गाइस मैंने इसको बता दिया था मतलब मेरे फ्रेंड को कि ये रूम आईडी है एंड गाइस उसने देखो यार यहाँ पर डाल दिया जो मैंने बताया उसको। एंड गाइस देख सकते हो ये रूम आईडी उसने इंटर किया एंड इंटर करने के बाद गाइस पासवर्ड पूछेगा ऐसा इंटर रूम पासवर्ड। तो गाइस रूम पासवर्ड मेरा AK47 था तो देखो ये AK47 डाल देगा, जो भी पासवर्ड है गाइस आपको मतलब यानी पता चल जाता होगा मतलब जो भी लीडर जो बनाता है रूम उसको पता होता है कौन सा रूम आईडी पासवर्ड है तो वो आपको शेयर कर देगा। तो गाइस देखो यार इंटर रूम गाइस उसके बाद इंटर रूम पे क्लिक करना है एंड गाइस वो रूम के अंदर आ जाते हैं। तो गाइस ये रूम के अंदर आने का प्रोसेस मैंने समझा दिया।
एंड वही आईडी पास वगैरह आपने देख लिया होगा गाइस, जो यानी रूम बनाता है उसको सब पता होता है ओके, रूम आईडी पासवर्ड क्या है, तो यार वो बता देगा एंड वो ज्वाइन कर लेंगे सामने आपके फ्रेंड वगैरह जिसको भी ज्वाइन करना है वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं रूम के अंदर। एंड गाइस उसके बाद एक्सपेक्टेड का होता है, मतलब यार जो देखते हैं ना गाइस हवा में चढ़ चढ़ के, मतलब बंदों का पोजीशन वगैरह आपने लाइव में देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर जब कस्टम की लाइव करते हैं तो वो बताते हैं, तो गाइस वो होता है एक्सपेक्टेड, जो कि यार आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप एक्सपेक्टेड में बैठ जाओ एंड फिर आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो गाइस सिंपली से। तो गाइस देखो एक्सपेक्टेड का मैंने सारे लॉक कर दिया, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डिसेबल का तो आप कर सकते हो। एंड गाइस देखो एक्सपेक्टेड में अभी मैं बैठा हुआ हूँ एंड मेरा यहाँ पर टीममेट आया हुआ है रूम के अंदर, अभी गाइस मैं एक और फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ बिकॉज दो जोन जब आएंगे रूम के अंदर जब ही गाइस रूम स्टार्ट होता है। एंड गाइस देखो यार मैं एक्सपेक्टेड में बैठ के आपको मैं बताऊंगा पूरा। अभी गाइस यहाँ पर मैंने अपने एक और फ्रेंड को इनवाइट मार दिया गाइस, आप इनवाइट भी कर सकते हो, जो लीडर हो सकता है ना रूम जिसने रूम बनाया है, मतलब वो गाइस अपने फ्रेंड वगैरह को इनवाइट कर सकता है, कोई दूसरा बंदा इनवाइट नहीं कर सकता है, उसको बस आईडी पास से ही ज्वाइन होना होता है ओके। तो गाइस ये बात आप समझ जाना। एंड गाइस चलो अभी देखो यार मैंने एक और टीममेट को बुला लिया एंड मैं एक्सपेक्टेड में हूँ, मतलब यार अभी मैं देखूंगा गाइस एक्सपेक्टेड में बैठ के इनका मैच। तो गाइस अभी हम यहाँ पर डुओ मैंने कहाँ लगा दिया गाइस, अभी चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, मैं फिर से बता रहा था ओके। चलो गाइस अब स्टार्ट कर दिया एंड गाइस स्टार्ट करने के बाद देखते हैं गाइस लोबी में एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस अब आगे का समझा देता हूँ जल्दी से। सो गाइस अभी हम गेम के अंदर आ चुके हैं गाइस, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो का बिकॉज यार काफ़ी टाइम हो चुका है, वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यार गाइस देख सकते हो एक्सपेक्टेड मोड में गाइस आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है जिससे यार आप हवा मतलब कैमरे टाइप ड्रोन कैमरा होता है एंड आप ऊपर नीचे बंदों के हर पोजिशन देख सकते हो। एंड अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो कस्टम की तो ऐसे कर सकते हो रूम वगैरह बना के, अगर आपके पास अच्छे खासे बीसीए मतलब बीसी जो है गाइस रूम कार्ड परचेस करने के लिए, या तो आप वॉच वीडियो के ऑप्शन से भी फ्री में रूम कार्ड खरीद सकते हो ओके गाइस। तो यार यही वॉच वीडियो के ऑप्शन से मतलब आप रूम कार्ड खरीद के शेयर भी कर सकते हो अपने रियल आईडी पे, मतलब सेकंड आईडी पे वॉच वीडियो देखो एंड रियल आईडी पे रूम कार्ड शेयर कर दो, ऐसा भी कर सकते हो गाइस फ्री में अगर आपको रूम कार्ड चाहिए तो। बट यार वो जिसको मेहनत करना है वो कर सकता है ये वाला वीडियो देखने का रोज रोज। तो गाइस अभी गाइस देखो यार यहाँ पर आपको ओवरऑल एंड जो ग्राउंड होता है वो देखने मिलता है ऑप्शन। एंड गाइस देखो यार ग्राउंड में वही होता है जो आसपास के बंदे होते हैं उनका गाइस पोजीशन देखने मिलता है। एंड गाइस ओवरऑल में आपको सारे बंदों के नेम देखने मिल जाते हैं जो भी मैच खेल रहे हैं, मतलब अभी तो गाइस दो ही बंदे इसलिए आपको छोटा छोटा दिख रहा है, बट जब ज़्यादा बंदे होते हैं तो आप ओवरऑल में देख सकते हो एंड ग्राउंड में आपको यानी जो आसपास बंदे होते हैं उनका ही पोजीशन नेम देखने मिलता है, नेम मतलब आप यहाँ से उनके मतलब जो नेम देखने मिलता है उन पर क्लिक करके आप उनके एंगल से देख सकते हो वो बंदे क्या देख रहे हैं एंड वगैरह ऐसा यानी पूरा चीज़ें ओके। तो गाइस अभी देखो यहाँ पर हम अल्पा वाईटी एंड आर्मी को बार बार इधर उधर देख रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर अलाइव में आपको उनके किल वगैरह भी पता चल जाएंगे कौन बंदा कितने किल कर रहा है वगैरह। तो गाइस ये सिंपल से प्रोसेस है। एंड गाइस देखो यार अभी यहाँ पर मेरा टीममेट मतलब उतर रहे हैं। एंड गाइस देखो मैं आपको दोनों एंगल से बता रहा हूँ गाइस। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर AK-47 आर्मी नाम का बंदा ये चाकू लेके आ चुका है एंड ये रूम के अंदर अभी गाइस मार देगा। तो देखो यार अभी यहाँ पर ये आया एंड जैसे ये बंदा नीचे गिरा इसने मार दिया ओके चाकू से। एंड गाइस मैच एंड हो गया एंड मैच एंड होने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड में बैठे हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मतलब बंदे ने कितने किल किए वगैरह आपको पैसे वगैरह देना है टूर्नामेंट अगर आपने खुद का करा है तो आपको स्क्रीनशॉट देखने मिल जाएगा। तो यार देखो यहाँ पर आपको सारे बंदों का मतलब जो 1 से लेके 15 तक के बंदे होते गाइस अगर आपने सारे बंदे को बुलाया तो उनके किल वगैरह आपको पता चल जाएगा, रैंक क्या है एंड गाइस उसके मदद से आप पॉइंट टेबल वगैरह कुछ भी बना सकते हो या तो उसको दे सकते हो कि गाइस ये बंदा अच्छा अपने रूम में जो मैंने रूम बनाया था उसमें ये बंदा अच्छा खेला था। एंड गाइस ये आप बता सकते हो, ये स्क्रीनशॉट उसी बंदे को देखने मिलेगा जो गाइस एक्सपेक्टेड में बैठा हो। तो यार देखो मैं एक्सपेक्टेड में बैठा तो मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट लेने के लिए मिला था ओके मैच एंड होने के बाद ऐसी चीज़ें। तो गाइस ये था बस रूम कार्ड का छोटा सा प्रोसेस, थोड़ा बड़ा था मतलब एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड गाइस अगर आपको कोई भी फायदा हुआ हो ना इस वीडियो से तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, सब्सक्राइब तो यार कर ही देना बहुत ही मेहनत लगी है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।